अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मज़ेदार और आसान अखरोट का हलवा बनाना सिखाऊंगी, तो आए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, शुक्रिया। मज़ेदार अखरोट का हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो ये हैं। मैंने लिया है 1.5 पाव अखरोट लिए हैं। अखरोट हमेशा फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए, स्पेशली हलवे के लिए। इसमें वो जो पुराने होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं और कड़वे होते हैं, वो बिल्कुल ना लें। फ्रेश अखरोट लिए हैं 1.5 पाव। आधा लीटर दूध चाहिए होगा फुल क्रीम। 1/2 कप मैंने चीनी ली है। मीठा आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप ही मैंने देसी घी लिया है। देसी घी हलवों के लिए बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट होता है क्योंकि हलवे जो हैं वो घी के बगैर अच्छे नहीं बनते। 1 पाव मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 1 पाव ही खोया लिया है। हरी इलायची पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। अब सबसे पहले हम अखरोट को मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। इसको हमने बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, तो इसको हम क्रश कर लेते हैं। अखरोट को हम पहले ग्राइंडर में डाल के इसको हम मोटा मोटा क्रश कर लेते हैं। ये सर्दियों की बहुत स्पेशल सौगात है अखरोट का हलवा, और बहुत इजी तरीका है जो मैं आपको बता रही हूं बनाना। झटपट तैयार हो जाता है, 20 से 25 मिनट में ये हलवा आराम से तैयार हो जाता है। और अखरोट तो वैसे भी दिमाग की ताकत के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसको हम क्रश कर लेते हैं। इसको हमने ज्यादा बारीक नहीं करना, इसके मोटे मोटे चंक्स ही अच्छे लगते हैं, तो बस इसको हमने मोटा मोटा अब चॉप कर लिया। एक हमने पैन लिया है, पैन थोड़ा खुले मुंह वाला लेना चाहिए जिसमें हम इजीली हलवा बना सकें। देसी घी को हम डाल के इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं पहले, और इसके अंदर हम ये जो अखरोट हमने किए थे दरट ये भी डाल देंगे साथ ही। और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है घी में इन अखरोटों को। जब ये हल्की हल्की इसमें खुशबू आने लगेगी फिर हम इसमें बाकी चीजें शामिल करेंगे। हलवे में एक चीज हमेशा याद रखें, बनाते वक्त चम्मच जो है मुसलसल चलाना पड़ता है क्योंकि हलवे स्टिकी होते हैं। इसमें आप चम्मच को रोकें ना, और दूसरा जो फ्लेम है वो आपने मीडियम टू लो रखना है, फ्लेम को हाई हमने बिल्कुल नहीं करना। ये सर्दियों में जो हलवे बनते हैं इसका मजा ही और हो जाता है जब आप अच्छे तरीके से उसको बनाएं। और इजी तरीका है बहुत ये अखरोट का हलवा बनाने का। इस तरीके से आप बनाएं, घर वालों को भी एंजॉय करवाएं और झटपट तैयार हो जाता है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है। अब ये 2 मिनट हो गए हमने इसको भुना है घी में। अब इसमें हमने डाल देना है मिल्क पाउडर। चीनी मैंने थोड़ी सी कम इसलिए भी रखी है क्योंकि मिल्क पाउडर भी स्लाइटली सा मीठा होता है। अगर तेज मीठा पसंद हो तो आप ज्यादा मीठा भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अभी से ही खुशबू इतनी जबरदस्त अखरोट की आने लग गई है। फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखना है, इसको हमने ज्यादा तेज नहीं करना। अब इसके अंदर हमने खोया शामिल कर देना है। अब ये देखें कैसे झटपट तैयार होता जा रहा है। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि खोया मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से और उसकी भी खुशबू आने लगे। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है। अब ये हमने 2 मिनट के लिए इसको भूना है।
अब इसमें हमने इलायची पाउडर शामिल कर देना है और दूध डाल देंगे। कई लोग दूध को पहले से ही अलग से बॉयल करके इसको गाढ़ा कर लेते हैं, लेकिन मैंने फुल क्रीम दूध लिया है इसलिए इसको गाढ़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हमने 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक ये दूध जो है बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसको हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक। जब ये दूध थोड़ा कम होगा फिर इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। अब ये तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके में हैं। मैंने मुसलसल चम्मच चलाती रही हूं ताकि हलवा नीचे चिपके ना। अब 10 मिनट में इसका जो लिक्विड था वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुका हुआ है। अब ये देखें घी साइडों से आने लग गया है। इस पॉइंट पे अब हमने इसमें चीनी शामिल कर देनी है, जो हाफ कप मैंने चीनी ली है। खोए की, इलायची की, अखरोटों की बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको हमने 5 से 6 मिनट मजीद मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने भूनना है। जितना हमें इसका कलर पसंद हो और जितना इसको हमने सॉफ्ट रखना है, सख्त रखना है, उस हिसाब से हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। मैं इसको 5 मिनट और भूनूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस पॉइंट पे आप इसकी चीनी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे थोड़ा सा और ऐड कर दें। मेरे हिसाब से इतना मीठा काफी है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी स्लाइटली मीठा होता है और इसमें जो हमने खोया डाला है उसमें भी हल्की सी मिठास तो होती है। घी बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी वजह यह है कि फिर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। ये हलवा बहुत मुफीद होता है बच्चों, बड़ों, सबके लिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो वो नट्स वाले हलवे वगैरह खाने से थोड़ा सा परहेज करें। कभी कभार एक टीस्पून खाई जा सकती है, लेकिन ये सर्दियों में स्पेशली बच्चों बड़ों के लिए बहुत मजेदार चीज है जो खानी चाहिए और ताकत वाली चीज है। इसको मैं 2 से 3 मिनट और मजीद भून के फिर डिश आउट करूंगी। अब ये देखें मजेदार अखरोट का हलवा तैयार हो चुका हुआ है। आपका अगर दिल चाहे तो इसमें आप बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। घर में बनाने का यही तो मजा होता है कि जो आपका दिल करे वो आप डालें, जो ना पसंद हो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब ये देखें इसका तैयार होने का सबसे आसान टिप ये है कि जब आप इसको साइड पे करें तो ये इजीली नीचे से उठ जाइए। देखें ये बिल्कुल नीचे स्टिकी नहीं हो रहा, घी बिल्कुल अलग हो गया है और हलवा अलग हो गया है, ये बिल्कुल साइडों पे नहीं लग रहा। अब हम इससे ज्यादा इसको नहीं भूनेंगे, इतना काफी है। और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, सर्दियों में बनाए बहुत से तरीकों से ये अखरोट का हलवा बनता है, लेकिन ये बहुत इजी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है जो मैं आपको दे रही हूं। इस तरीके से आप बनाएं, घर वालों को भी इंजॉय करवाएं और खुद भी मजा आता है झटपट कुकिंग करने से। सर्दियों में ये बहुत मजेदार और एनर्जी वाली चीज है, इसको बनाना चाहिए। अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। अब ये हमारा मजेदार अखरोट का हलवा तैयार हो चुका हुआ है। इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी का कमेंट्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।